फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नकुल और आज आप लोग के बीच रिव्यू करने वाले हैं हुंडई ऑरा ई वेरिएंट का, जो सबसे बेस वेरिएंट है। सबसे पहले तो गाड़ी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो गाड़ी का परफॉर्मेंस वाकई में काफ़ी अच्छा हो रहा, मतलब एक आप अगर यदि साफ वर्ड में बोला जाए तो आप इसको आप बिज़नेस पर्पज़ पे भी ले सकते हैं, आप इसको कॉमर्शियल यूज़ भी आप कर सकते हैं। अगर यदि फ्रंट लुक बाई बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल दिया गया है। यहाँ पे आपको कोई डीआरएल का ऑप्शन नहीं दिया गया है, साथ में आपको एरो कटिंग मिल जाता है। यहाँ पर आपको हाइलोजन हेडलाइट आपको देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग लाइट और हजार्ड लाइट का इंडिकेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में बात करेंगे तो बॉडी में ऊपर में आपको जो बॉनेट सेफ है, काफ़ी अच्छा सेफ में है। यहाँ पे अगर यदि हम बात करेंगे तो इसमें आपको कोई व्हील कैप नहीं मिलता है। रिम मिलता है जो कि टायर का साइज है 165/70R 14 इंच का टायर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे तो 167 mm है, जो कि इंडिया के रोडों के लिए वाकई में काफ़ी परफेक्ट है। वहाँ पर वो ORBM पे बात करेंगे तो बॉडी कलर वाइट में आपको नहीं मिलता है, ब्लैक फिनिश में वो आपको ORBM मिल जाता है। गेट भी है, गेट हैंडल भी आपको ब्लैक में ही मिल जाता है। हालांकि आप इसको एसेसरीज से क्रोम का फिनिश में आप करवा सकते हैं। ऊपर में आपको और ये दिया गया है, पावर एंटीना दिया गया है। पीछे में कोई डिफोगर नहीं, हाई स्टॉप माउंट लाइट ऊपर में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर यदि हम बात करेंगे टेलगेट पर तो हुंडई की लोगो आपको मिल जाता है, ऑरा की बैजिंग, दो पार्किंग रेयर सेंसर आपको मिल जाता है। यहाँ पे नीचे बात करेंगे तो दो रिफ्लेक्टेड लाइट भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको LED टेल लैंप आपको मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं हज़ार लाइट का इंडिकेट्स है यहाँ पे। और फ्यूल कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो 37 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी कंपनी बताती है, बट 45 लीटर तक चला जाता है। और इसका जो परफॉर्मेंस है वाकई, मतलब इसका पेट्रोल में जो माइलेज है वो पेट्रोल में आपको माइलेज मिलता है 20-22। तो ये सिडान गाड़ी है, कॉम्पैक्ट सिडान है, तो 20-22 मायने रखता है। अगर यदि इसका ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है उस आपको मतलब 7,44,000 रुपये की सबसे बेस वेरिएंट आपको मिल जाता है गया के लुमिनी हुंडई शोरूम में। और इसका वेरियंट है ई है, फिर एस है, SX है और SX ऑप्शनल है। तो ये सबसे बेस वेरियंट है गाइस। अगर यदि इसका इंजन के बारे में बात करेंगे तो 1.2 लीटर कापा इंजन के साथ कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसका CNG भी ऑप्शन आता है, CNG भी आप परचेस कर सकते हैं। इसका CNG का आपका 30-31 का माइलेज आपका CNG में है। और इसका जो फीचर्स है वाकई में, मतलब फीचर्स बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, मतलब ये हमने ड्राइवर साइड गेट खोला, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे दोनों आपको आगे जो है ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड पावर विंडो मिलता है यहाँ पे आपको। और पीछे वाला जो सीट में आपको मिल जाता है, पीछे वाला गेट में, वो आपको मैनुअल है, आपको ये हाथ से आपको विंडो को ये अप एंड डाउन करना होगा। मैनुअल है जो कि पहले आती थी वहाँ पे, ये मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी है। और ड्राइवर सीट जो है इसको आप 6 वे में हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और 4 एयरबैग, मतलब सिक्योरिटी के मामले में 4 एयरबैग कंपलसरी कर दिया गया है इसमें। और अगर यदि आप SX ऑप्शनल वेरिएंट आप देखते हैं तो उसमें आपको 6 एयरबैग कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे MID इंफॉर्मेशन मिल जाता है, यहाँ पे आपको कोई म्यूजिक सिस्टम का ऑप्शन नहीं मिलता है, आप हालांकि म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट नहीं बल्कि आपका मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। 5 गियर की गाड़ी है और यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया गया है, आप दो वाटर होल्डर कुछ स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। सीट में फैब्रिक सीव पीस किया गया है और सीट का जो थाई सपोर्ट है वाकई में काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट है। इसके अंदर ग्लव बॉक्स है, इसके अंदर कुछ स्टोरेज भी है, आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड भी काफ़ी प्रीमियम, मतलब गाड़ी बेस मॉडल में भी सर आप गाड़ी में बैठ रहे हैं तो प्रीमियम लुक फील करवाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल ORBM पे एडजस्टेबल है, आप इसको मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यदि पीछे के सीट पर हम बात करेंगे, पीछे में आपको AC वेंट आपको नहीं मिलता है, सबसे बेस वेरिएंट है तो इसमें आपको ये एक मॉडल ऊपर आएंगे तो आपको रेयर AC वेंट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कुछ होल्डर वगैरह दिए गए हैं, यहाँ पे 1 वाटर होल्डर आपको स्टोरेज है। यहाँ पे आपको हेडरेस्ट जो है वो फिक्स नहीं, एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार हम बूट स्पेस में मैं आपको चेक करवा दूँगा। इस बूट स्पेस भी इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब आप यहाँ से बूट को ओपन करने का है, ये हमने ओपन किया और ये टेल गेट आपका यहाँ पे खोल गया, देख सकते हैं। मतलब बूट स्पेस, मतलब ये कॉमर्शियल पर्पज़ पे हम जितने लोग बैठे हैं उस सारे लोग का लैगेज इजीली यहाँ पे आ जाएगा। अगर यदि स्पेयर व्हील के बारे में बात करेंगे
तो इसके अंदर स्पेयर व्हील मिल जाता है गाइस, जो कि आप लोग जानते हैं स्पेयर व्हील हुंडई की एक इंच छोटी होती है। आप इसको स्टेपनी में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मेन टायर नहीं बना सकते हैं। 14 इंच टायर है तो इसे आपको 13 इंच का टायर प्रोवाइड करती है कंपनी। यहाँ पे ये मतलब बेसिक्स, ये बेस वेरिएंट है, तो इस रेंज में भी गाड़ी सेडान कार मिल जा रहा है। कुछ एसेसरीज लगा लेंगे तो कहीं से भी आपको दिखने वाला नहीं है। और व्हील कैप तो खैर एसेसरीज का पार्ट्स है। और इस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और इसका जो माइलेज है, वाकई में माइलेज वगैरह सारे आपको डिस्कस किया ही है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।